हाय गाइस, वेलकम टू टॉय ओशन। स्वागत है आपको हमारे चैनल टॉय ओशन में। आज मेरे पास है रिमोट हेलीकॉप्टर। आज मैं आपको बताऊंगा रिमोट हेलीकॉप्टर में जब ये फ्लाइंग नहीं करता तो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, ये फ्लाइंग क्यों नहीं करता। वैसे तो इसमें कई सारे रीजन हो सकते हैं, बट एक मेजर इशू होता है। सबसे पहले तो आप ये चेक करना कि ये फुल चार्ज है कि नहीं। फुल चार्ज आप कैसे चेक करेंगे, ये इसके साथ चार्जिंग केबल होता है जो आप यहाँ पर इसको कनेक्ट करेंगे और इस पॉइंट को आप लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल चार्जर में कनेक्ट करेंगे। जब इसकी लाइट क्लोज हो जाए, बंद हो जाए जलना, तो ये फुल चार्ज हो जाता है। अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट में कंप्लीट चार्ज हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें इशू क्या होता है। जैसे अभी ये हेलीकॉप्टर है, अब ये मैंने इसका बटन ऑन किया, अभी आप देखेंगे ये फ्लाइंग नहीं कर रहा है, ये फ्लाइंग नहीं कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या इशू है। इसमें 4 फैन है, 4 इसमें फैन लगे हैं। यहाँ पर इनमें कोड होता है, यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, ये कोड है, ये फैन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप, यहाँ कोड है, इसमें लिखा हुआ A1 और इसमें लिखा हुआ है, इसमें भी A1 लिखा हुआ है, लेकिन जो ऊपर वाला फैन है उसमें B1 लिखा हुआ है। तो जो A1 है, ये A1 ये हमेशा ऊपर लगता है, जो ऊपर का फैन होता है वो A1 होता है। वो कोई भी हेलीकॉप्टर हो, वो जो भी रिमोट हेलीकॉप्टर होगा एक सीट का, वो हमेशा इसमें ऊपर ही लगेगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये फैन को निकाल लेना, सभी फैन को। इसलिए आप इनको ऐसे रिमूव कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, ये दोनों B1 के हैं और ये है A1। आपको क्या करना है, आपको A1 का इसमें अपर साइड में इंस्टॉल कर देना है, यहाँ पर ऐसे लगा देना है और दूसरा यहाँ पर लगा देना है। अब ये B1 के हैं तो B1 का एक आप यहाँ पर ऐसे इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर दीजिए और दूसरा यहाँ पर। अब ये रेटिंग है, कभी कभी इसका ये हुक होता है, कभी कभी ये निकल जाता है, तो आप इसको भी देख लीजिए प्रॉपर ये कनेक्ट है कि नहीं। आप इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर दीजिए। अब हम इसको फ्लाइंग करेंगे, ये देखिए आप, देखिए ये फ्लाइंग कर रहा है।